आतिशबाजी के बीच साल 2018 ने दी दस्तक। जश्न में डूबी दुनिया। भारत समेत दुनिया भर में लोगों ने मनाया नए साल का जश्न। राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी ने देशवासियों को दी नए साल की बधाई। पीएम मोदी ने संबोधन में पॉजिटिव इंडिया से प्रोग्रेसिव इंडिया की दिशा में बढ़ने की जताई उम्मीद। नए साल पर झारखंड के बाबा नगरी देवघर में उमड़ी भक्तों की भीड़। मंदिरों में लगे बम भोले के जयकारे। सड़कों पर दिखी भक्तों की लंबी कतार। तीन दिवसीय दौरे पर झारखंड के सीएम रघुवर दास जमशेदपुर के कल्पतरु महोत्सव में की शिरकत। कहा 2018 में झारखंड से खत्म होगी गरीबी। एनसीआर में ठिठुरती ठंड और घने कोहरे से नए साल का आगाज। कोहरे के कारण 15 ट्रेनें रद्द। 20 ट्रेनों का बदला समय। फ्लाइटों पर भी पड़ा असर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पर चरमपंथी हमला। 5 जवान शहीद। 3 आतंकी मारे गए। गृहमंत्री ने कहा बेकार नहीं जाएगा जवानों का बलिदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में रविवार को सीआरपीएफ के प्रशिक्षण केंद्र पर हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए और 3 आतंकी ढेर हो गए, जबकि 3 जवान घायल हैं। पुलिस महानिदेशक एसपी वैद ने बताया कि सुरक्षा बलों को पिछले 3 दिनों से कश्मीर घाटी में आतंकी हमले के बारे में खुफिया सूचनाएं मिल रही थी। हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए वैद ने कहा कि पिछले 2-3 दिनों से खुफिया सूचनाएं थी। झारखंड के सीएम रघुवर दास 3 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे, जहां वे कल्पतरु महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं सीएम ने सिद्धगोड़ा के दुर्गा पूजा मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम ने इस दौरान कहा कि 2018 झारखंड के गरीब, शोषित और पिछड़े वर्ग के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला वर्ष होगा। वहीं उन्होंने कहा कि रामकृष्ण मिशन की ओर से राज्य के 600 किसानों को मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दी जा रही है। सत्रह को विदा करते हुए आज 2018 के वर्ष में प्रवेश कर गए। हम भी आराधना की कि हमें भी इतनी शक्ति दे कि जो झारखंड में जो गरीबी है, झारखंड में जो शोषित और वंचित वर्ग है, 2018 का वर्ष उसके चेहरे में मुस्कान लाने का वर्ष। उन वंचित और शोषित समाज को जो संविधान ने अधिकार दिया, वो अधिकार उन तक पहुंचे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया देशवासियों को, मीठी क्रांति। पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि बिहार के गन्ना मंत्री खुर्शीद आलम से रंगदारी मांगने वाले एक युवक और एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी ने नवादा से फोन कर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। कोतवाली डीएसपी शिवली नुमानी ने कहा कि गिरफ्तार युवक विकलांग और मानसिक रूप से विक्षिप्त है। मामला ये है कि जो FIR दर्ज हुए हैं, उसके बाद सीनियर SP पटना के निर्देशन में एक पुलिस टीम के द्वारा इस कांड का 2 दिनों के अंदर उद्भेदन किया गया है। और इसमें जो कॉल करने वाले जो बबलू राम हैं, उनकी अरेस्टिंग हुई है। साथ साथ एक महिला की भी अरेस्टिंग हुई है जो सो कॉल्ड उनकी प्रेमिका है। अब तक के इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आए हैं, इन लोगों ने जो जूली देवी है उसके खाते पे
माननीय मंत्री महोदय से रंगदारी का मांग किया था। बिहार के पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने मोतिहारी नगर के चाटीमाई देवी स्थान पर मत्था टेका और पूजा अर्चना की। नए साल को लेकर पर्यटन मंत्री ने मोतिहारी को एक बड़ी सौगात देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देवी स्थान सर्किट से चाटीमाई को जोड़ा जाएगा, जिससे पर्यटन के मानचित्र में इसे दर्शाया जाएगा, जिससे राज्य के कई जिलों और नेपाल से आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। वहीं मंत्री ने कहा कि यहां आने के लिए सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण कराकर सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। और ये जो चाटी माई का स्थान है अपने आप में एक अजूबा स्थान है और इसका जो विकास उपेक्षित रहा है, इसे पर्यटन के शक्ति सर्किट जैसे थावे माई में का स्थान है, उसी प्रकार ये चाटी माई के स्थान का आने जाने का रोड चौड़ीकरण और जो यहाँ सरकारी जमीन है उसका अधिग्रहण करके यहाँ के और नेपाल के पड़ोसी देश के और देश के जो पर्यटक आते हैं उनके रहने की समुचित व्यवस्था, यह काम पर्यटन विभाग करेगा। जयपुर के पीसीसी मुख्यालय पर पूर्व पीसीसी अध्यक्ष हरलाल सिंह खर्रा की जयंती मनाई गई। इस मौके पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पीसीसी उपाध्यक्ष मुमताज मसीह, गोपाल सिंह इडवा, रुपेश कांत व्यास, संगीता गर्ग समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। परिवेश में आते थे और किसान वर्ग के लिए उन्होंने बहुत उनका योगदान रहा। किसानों की मांगों को उन्होंने राज्य सरकार द्वारा डाल के खूब काम करवाए। आज उनकी जयंती है और हम सब कांग्रेस जन प्रदेश पदाधिकारीगण कृतज्ञपूर्वक तो याद करते हैं और ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे और उनके अनुसार ही किसान हित में संघर्ष करेंगे। दो दिन तक चले सियासी घटनाक्रम के बीच आखिरकार झुंझुनू के नवलगढ़ के निर्दलीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने खुद विधानसभा पहुंचकर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। प्रदेश में चिकित्सकों की दो बार चली हड़ताल और हड़ताल के कारण प्रदेश भर में मरीजों की हुई मौतों का जिम्मेदार चिकित्सा मंत्री कालीचरण सर्राफ को बताते हुए डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने इस्तीफा दिया। इनकी पीड़ा आप सबने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। क्या आपने भाई इनकी पीड़ा आप सबने भी सुनी और मैंने भी सुनी है शांतिपूर्वक। तो पीड़ा इनकी है वो सुनी है, शायद इसमें भी इन्होंने ऐसी पीड़ा लिखी होगी। इस्तीफा मंजूर करेंगे आप? ये तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरा विवेक है, मैं अध्ययन करूंगा। देखिए वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं कालीचरण जी भाई साहब की, और उनसे मैं ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकता था। मुझे पता था कि वो इस तरह की बात ही कहेंगे और क्या कहेंगे वो। मैं कह रहा हूं, मैं जब शुरू से कह रहा हूं कि मैं जब चिकित्सा मंत्री था तब भी मौतें हुई थी, वो हमारे लिए भी कलंक था, लेकिन उस समय मैंने डॉक्टर्स को चींटी नहीं कहा। मैंने नहीं कहा कि चींटी की तरह मसल दूंगा, मैंने तबादले नहीं किए, क्या नाम, उनको दबाने के लिए, उस आंदोलन को वापस भड़काने के लिए मैंने उनको उकसाया नहीं। मैंने प्रदेश भर के अंदर डॉक्टर्स की इमेज खराब करने के लिए काम नहीं किया। उस समय हमने 151 के अंदर डॉक्टर्स को बंद नहीं किया, हमने SDM को निर्देश नहीं दिलाए ऊपर से कि 1 करोड़ रुपए की तुम लोग मुचल क्या भरवाओ 1 करोड़ रुपए की। अरे 80-80 डॉक्टरों को आप 15 तारीख से लेके जिस दिन इस्तीफा, जिस दिन समझौता हुआ, उस दिन तक आप लोग जेल में बंद रखते हो। पूरे राजस्थान के अंदर डॉक्टर्स की आज ये हालत करके रख दी कि आम जनता से उनका विश्वास उठवा दिया। रणथंभौर नेशनल पार्क क्षेत्र जोन नंबर 6 में टाइगर T8 के शावक के बीमार हो जाने की सूचना के बाद रणथंभौर वन प्रशासन सहित वन्य जीव प्रेमियों में मायूसी छाई हुई है। शावक के बीमार होने की सूचना के साथ ही वन विभाग की टीम शावक की मॉनिटरिंग में जुट गई और वन विभाग द्वारा पार्क क्षेत्र के जोन नंबर 6 को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। राजधानी जयपुर में एक बार फिर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। घटना सी स्कीम इलाके के जैक क्लब की है, जहां देर रात नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन नए साल के जश्न में मशगूल कारिंदों की कारगुजारी के चलते रात भर देश का राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहराता रहा।
धरोहर बचाव समिति के संरक्षक भारत शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहरता देख आपत्ति जताई। सूचना मिलने पर धरोहर बचाव समिति के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। बिल्कुल राष्ट्रीय ध्वज का अपमान का मामला बिल्कुल सामने आया। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जब मैं जा रहा था तब जय क्लब में अंदर देखा कि राष्ट्रीय ध्वज भारत का जो है वो उल्टा लटका हुआ था। वो तब है जब 31 दिसंबर की रात को वहाँ पे बड़े बड़े जयपुर शहर के सभ्रांत परिवार के लोगों ने जश्न मनाया न्यू ईयर का। एक तरफ तो सीमा पे हमारे सैनिक गोलियां खा करके राष्ट्र की सीमा को बचा रहे, राष्ट्र को बचाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे देश के सभ्रांत परिवार के लोग 31 दिसंबर न्यू ईयर की पार्टी मनाने में इतना मशगूल हो रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होते हुए देखते हुए उसको नेगलेक्ट करके उनके साथ अपमान के सहित न्यू ईयर का सेलिब्रेट किया। राजधानी जयपुर में ग्राम सहायकों की नियुक्ति निरस्त किए जाने को लेकर सहायक कर्मियों ने विरोध जताया। ग्राम सहायक रहे कर्मियों का कहना है कि ग्राम सहायक पद पर उन्हें नियुक्ति दी और 6 महीने से ज्यादा काम करने के बाद उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई। इसको लेकर उन्होंने कार्य निरंतर करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। समस्या ये है कि सरकार ने हमें 22 मई को ज्वाइनिंग दी थी, 22 मई 2016 को ज्वाइनिंग दी थी और हमें ग्राम पंचायत सहायक के पद के ऊपर लगाया गया था। अब सरकार और सरकार के कार्यवाही जो सदस्य हैं वो ये कहते हैं कि 6 महीने पश्चात आपकी ये जो भर्ती प्रक्रिया ये गलत है और इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। अब बिना कारण बताए नोटिस के हम लोगों को हटा दिया गया है। 6 महीने का हमने वेतन उठा लिया है, पंचायत सहायक का कार्य कर रहे हैं, पंचायत के अंदर 6,000 रुपये मानदेय के ऊपर न्यूनतम मजदूरी के ऊपर कार्य करते हुए भी हमें 6 महीने बाद सरकार के व्यक्ति एवं सरकार के सदस्य हमें ये कह रहे हैं कि आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो गलत तरीके से हुई है और हमें हटा दिया गया है। जयपुर जिले में नवनियुक्त ग्राम सेवकों का प्रशिक्षण जिला परिषद जयपुर सभागार में शुरू हुआ। जिले के 300 ग्राम सेवकों की नई नियुक्ति हुई है जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि सफलतापूर्वक वे अपने काम को शुरू कर सकें। ये नए ग्राम सेवकों का चयन किया गया है। अब वो चूंकि अच्छी प्रभावशाली भूमिका अपनी अदा करें, अच्छे तरह से जनसेवा में जुटे, उसके लिए 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर रखा गया है और ये 3 दिन चलेगा और इसमें उनको वो सारी बातें बताई जाएंगी जो नियम कायदे हैं, स्कीम्स हैं उनके बारे में, ताकि नया होने के वजह से कोई किसी का काम नहीं अटके, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। और मैं समझता हूँ ये सकारात्मक कदम है सरकार की तरफ से और वो गांव में जाके और अपनी सही भूमिका का निर्वहन करेंगे। राजस्थान पुलिस ने साल 2018 के लिए अपनी 10 प्राथमिकताएं तय की हैं। पुलिस महानिदेशक ओपी मल्होत्रा ने 2 श्रेणियों में पुलिस की प्राथमिकताओं को जारी किया है। पुलिस मुख्यालय में प्राथमिकताओं के मुताबिक काम करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इन प्राथमिकताओं को 2 श्रेणियों में रखा गया है। झुंझुनू के देरवाला ग्राम में बायो वेस्ट प्लांट नहीं लगने की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोगों की जीत हुई है। सरकार ने लोगों की मांग को मान लिया है और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने इन लोगों को समझौता पत्र सौंप दिया है। ये लोग 1.5 महीने से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। वहीं देरवाला गांव के जोहड़ में अब बायो वेस्ट प्लांट नहीं बनेगा और ग्राम के लोगों की और नगर परिषद और जिला प्रशासन की सहमति से अब उस जोहड़ में गौशाला बनाने का काम किया जाएगा। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो, फिर करने वाली पब्लिक है और देश में यही सपोर्ट करता जी साहब। समझौता जिस तरह के लोगों की मांग थी गांव वालों की, उसी के अनुरूप नगर परिषद की मीटिंग हुई थी 26 तारीख को, वर्किंग बॉडी जनरल बॉडी मीटिंग थी। उसी मीटिंग में उन्होंने ये तय किया कि यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ नहीं लगना चाहिए और इस बात बदली करके सरकार को अवगत कराएंगे। फाइनल निर्णय तो सरकार करती है लेकिन ये इनकी भावनाओं को समझते हुए नगर परिषद ने भी यही निर्णय लिया है। जहाँ तक सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की बात है, उसके लिए उनका निर्णय ये है कि लगना तो चाहिए लेकिन हम गाँव वालों से बात करेंगे। उन्होंने अपनी कमेटी बनाई है, गाँव वालों को जो भी इनके प्रतिनिधि हैं जितने भी हैं, बात करके किसी एक सहमति पॉइंट पर पहुँचेंगे
और सहमति के बाद में कुछ होगा जो भी होगा। ट्रीटमेंट प्लांट है उसको तो निरस्त करने के लिए सरकार को लिखा जाएगा, और जो सॉलिड वेस्ट है उसके लिए हमारे ग्राम पंचायत में कुछ लोगों की समिति गठित की जाएगी, नगर परिषद ने भी की है, तो उन सबकी बात विचार विमर्श करके और सॉलिड वेस्ट को सभी की सहमति होगी उसके बाद ही ग्राम पंचायत में लगाया जाएगा, अगर सहमति नहीं होगी तो उसके बारे में कोई बातचीत नहीं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने एमबी इंटर कॉलेज में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत लोन वितरित किया। ये मैं आपको आज यहाँ पर घोषणा कर रहा हूँ स्वास्थ्य के संबंध में, रेडियोलॉजी और टेली मेडिसिन से जोड़ रहे हैं कि हमारे राज्य में 27 लाख परिवार हैं। इन 27 लाख परिवारों को इस साल के अंत तक हमारी कोशिश है, इस साल के अंत तक हम इस काम को, मेरे विश्वास है कि हम कर लेंगे, या थोड़ा टाइम एक आध महीना और लगेगा। इस साल का मतलब वित्तीय वर्ष मार्च का महीना, वित्तीय वर्ष हम अपने प्रदेश के 27 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित करेंगे। टोटल कोई भी ऐसा परिवार नहीं रहेगा कि जिसको स्वास्थ्य बीमा योजना से नहीं जोड़ेंगे, हम A to Z परिवारों को उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत जल्दी अपना रूप ले लेंगे। सीवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र के नूरा छपरा गांव में एक मोबाइल कंपनी के टावर में अचानक आग लग गई, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखते ही देखते टावर का केबिन और उसमें रखा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं घंटों मशक्कत के बाद ग्रामीणों की सहयोग से आग पर काबू पाया गया। कैसे लगा है इसके बारे में कुछ होता है? कुछ शॉर्ट सर्किट से लगा होगा। डीजी रनिंग में तब बंद था? नहीं, बिजली नहीं है। नहीं, डीजी बंद था। डीजी आधा घंटा पहले शॉर्ट सर्किट से आग लगा हुआ है। पता नहीं कैसे लगा है, लेकिन आग यूपी के बुलंदशहर में एक भाई ने ही अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। मामला जहां के एक गांव का है, जहां युवती का प्रेम प्रसंग एक युवक से चल रहा था, जिसका पता युवती के भाई को चला। उसने युवती को उसके प्रेमी से मिलने के लिए मना किया, लेकिन युवती नहीं मानी, जिस पर गुस्से में युवती के भाई ने अपनी बहन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक 18 साल की लड़की है जिसके भाई ने उसकी गोली मार करके हत्या कर दी है, ग्राम बदरखा का ये मामला है। और उसमें भाई के द्वारा बार बार उसको अवैध संबंधों को लेकर के रोका जा रहा था, उसी के दृष्टिगत ये घटना घटित हुई है। इस संबंध में थाना जहांगीराबाद पर धारा 302 IPC का मुकदमा अभियुक्त के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकी है, प्रयास जारी है। सर, हत्या का कारण क्या रहा? जैसा FIR में लिखाया है वादी ने, उसके तहत उसके किसी से संबंध होना, मृतका के संबंध होना बताया गया है, और उसको लेकर के रोका जा रहा था, उसके भाई के ही द्वारा यह हत्या की गई है। जयपुर SOG द्वारा पिछले दिनों कोटा और निम्बाहेड़ा से गिरफ्तार किए गए हथियार तस्करों से पूछताछ में अनेक चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। SOG टीम को पूछताछ में बताया गया कि किस तरह से उनका पूरा नेटवर्क काम करता है। हथियार तस्कर सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए ग्राहक की तलाश करते हैं। हथियार खरीदने का इच्छुक व्यक्ति जब गैंग के सदस्यों से संपर्क करता है, तो उसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर ही हथियारों की जानकारी और फोटो उपलब्ध करवाई जाती है। इसके बाद हथियार पसंद करने के बाद सौदा तय किया जाता है। फिलहाल SOG ने पूछताछ के आधार पर अन्य राज्यों की पुलिस से संपर्क साधकर बदमाशों द्वारा दी गई जानकारी को साझा कर रही है। मोतिहारी पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पिपरा में JDU नेता के भतीजे की हत्या, मुखिया पति और बेटे की हत्या समेत कई आपराधिक मामलों में दोनों अपराधियों की पुलिस को तलाश थी। अपराधियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से कुख्यात लाल साहब और तरुण कुमार है, जो कई दिनों से पुलिस के लिए वांटेड था, और उसका एक साथी अंकुर श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों की गिरफ्तारी में जो ऑफिसर्स शामिल थे, उन लोगों को हम लोग कैश अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। लाल साहब यहाँ का एक पुराना अपराधी रहा है, इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा केसेस हैं, और वो कुख्यात लक्ष्मी सिंह के लिए काम करता रहा है। रंगदारी जैसे संगीन मामलों में ये संलिप्त रहा है, और इसने जनवरी 2017 में एक चकिया थाना में एक मर्डर केस हुआ था, आकाश कुशवाहा का, उसमें भी इसकी मुख्य संलिप्तता आई थी।
मधुबनी के खुटौना थाना के झाजपट्टी गांव के एक निजी स्कूल में शराबबंदी को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान शराबबंदी, बाल विवाह सहित अन्य मुद्दों को लेकर जागरूकता यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्रामीण महिलाओं ने काफी संख्या में आकर बच्चों को उत्साहवर्धन किया। पचवा वार्षिक महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बच्चों के द्वारा बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पे चर्चा करते हैं, उनकी झांकियां निकालते हैं, उसके बारे में बताते हैं। जैसे शराबबंदी के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जैसे जो दहेज प्रथा के ऊपर, जैसे बाल विवाह के ऊपर, इन सब जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं जो आज के डेट में सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत होती है, हम उनके लिए काम करते हैं। मथुरा कारागार से तीन शातिर कैदी छत काटकर फरार हो गए। कैदी फरार होने की घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बता दें कि कैदी राहुल, कलुआ और संजय जेल की दीवार पार कर भागने में कामयाब हो गए। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार कैदियों ने भागने की कोशिश की थी। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद डीआईजी मथुरा जेल पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कारागार का निरीक्षण किया और तुरंत कार्यवाही करते हुए चार जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया। भागने का प्रयास किए थे, तीन उसमें भागने में सफल रहे और एक जो है भागते समय भाग नहीं पाए, गिर गया तो उसके पैर में चोट आई, शायद संभवतः पैर में फ्रैक्चर है, इसलिए वो नहीं भाग पाए। तीनों जगह हमारी सर्च पार्टी गई हुई है। आगरा का एक बंदी था, एक एटा का था। आगरा में आगरा से पार्टी भेजी गई थी, एटा से एटा। नववर्ष यानी 1 जनवरी को पलामू जिले ने अपने 125 साल पूरे कर लिए। इसको लेकर शहर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति भवन में जिला प्रशासन ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। पलामू उपायुक्त ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने 125 साल के पलामू की सांस्कृतिक, भौगोलिक और प्राकृतिक संरचना के साथ साथ पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी दी। परिवर्तन तो अगर आप देखें तो सभी सेक्टर में हुए हैं, चाहे शैक्षणिक हो, हेल्थ हो, एजुकेशन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन जहां तक पलामू की बात है, 125 वर्ष एक बहुत लंबा सफर पलामू जिले ने तय किया है। लेकिन इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।